शुक्रवार 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर टकराव हुआ। इससे कुछ दिन पहले बच्चन ने धनखड़ पर संसद में चर्चा के दौरान उनके पति का नाम लेने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि आज की झड़प उस समय हुई जब उच्च सदन में तीखी नोकझोंक चल रही थी, जहां सभापति धनखड़ ने विपक्षी सांसदों पर संविधान और लोकतंत्र के प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने सपा सांसद जया बच्चन को सदन को संबोधित करने के लिए बुलाया। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. Sir, मैं Jaya Amitabh Bachchan ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not accepted. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jayaji. And I remember when Jayaji, I went to school. Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. Bet here. Honorable members. Bet here. I know how to deal with it. बैठिए, Jayaji, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, shit given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह उन्हें लेने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने वहां मौजूदा पार्टी समर्थकों का अभिवादन किया। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में इसके बारे में सोचता हूं मैं। आज इस खास माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचे मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से मैं ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत और सबसे बड़ी चीज
जब बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसकी रक्षा करेगी। बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ मची है। देश में उथल पुथल के बीच प्रदर्शनकारी हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं। हिंसा के बीच बड़ी संख्या में लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर जमा हुए, हालांकि बीएसएफ ने उन्हें जीरो पॉइंट पर रोक लिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हुए आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध समेत वहां रह रहे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हिंसा हुई है। हरियाणा के स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहना अनिवार्य होगा। 15 अगस्त से छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब छात्र स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज में कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।